एक अप्रैल से स्कूल चलो अभियान 2023-24 की शुरुआत हो रही है, जिसका आगाज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। स्कूल चलो अभियान को लेकर सीएम योगी ने इसका मकसद बताया। बता दें कि इस अभियान में 5 बच्चों को सीएम योगी प्रतीकात्मक किताबें भी सौंपी। वहीं इस कड़ी में जनपद इटावा के नए सत्र को लेकर स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को किताबें मुहैया कराई गईं, जिसके बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से सत्र शुरू होने के बावजूद भी बच्चों तक किताबें समय पर नहीं पहुंचती थी, पठन पाठन व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाती थी, लेकिन इस बार बेसिक शिक्षा विभाग ने किताबों की आपूर्ति से जुड़ी प्रक्रिया को काफी पहले से शुरू कर दिया, जिससे 1 अप्रैल से स्कूल का नया सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूल में किताबों को पहुँचा दिया गया। सत्र के पहले बुक मिल गई, इससे हम पढ़ के अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, तो कोर्स भी पूरा कर सकते हैं। और उससे इससे पहले तीसरी कक्षा में हमको 4 महीने बाद बुक मिली थी, इसलिए अंक नहीं पा पाए। सरकार की ओर से विद्यालयों में समय से पहले किताबें पहुंचाने को लेकर आज रियलिटी चेक किया गया है, जिसमें इटावा के पक्का ताला पर बने कंपोजिट सरकारी विद्यालय में बच्चों के किताबों के बारे में चेक किया गया। पढ़ने आए बच्चे हाथ में किताब लेकर पढ़ते हुए दिखाई दिए। बच्चों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तहे दिल से धन्यवाद किया और कहा कि मंत्री जी ने हम सभी के हाथों में समय से पहले किताबें पहुंचा दी हैं। इन बच्चों को किताबें कल आ गई थी शाम को, हम लोगों ने शाम के टाइम उठाई किताबें और आज सुबह बच्चों को दे दी हैं, और हमें बहुत खुशी है कि पहली ही तारीख को बच्चों के हाथ में किताबें आ गई। अच्छा, उधर जो जूनियर बता रहे हैं आप, वहाँ पर किताबें अभी आई हैं नहीं बटी हैं बता रहे हैं, बच्चों को किताबें नहीं बटी हैं अभी उधर? नहीं, वहाँ किताबें तो आ गई हैं। हाँ। और आज ही बढ़ी आएंगी वो किताबें। कितना महसूस कर, बच्चों को देख खुशी हो रही है इस समय आपको देख? बच्चे बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें पहली ही तारीख को किताबें स्कूल में भेज दी। वहीं हम बात कर रहे जनपद मिर्जापुर की, तो यहाँ नया सत्र शुरू होने के महीनों बाद तक किताबों का वितरण होता रहता था। इसके शुरुआत में महीनों में पठन पाठन व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाती थी, लेकिन इस बार बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से किताबों की आपूर्ति के लिए जुड़ी प्रक्रिया का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस बार सत्र शुरू होने से पहले ही कक्षा 3 से 8 तक की किताबें स्कूल में पहुँच रही हैं। बहुत ही अच्छी दिख रही है। आज सत्र के पहले ही दिन किताबें हम लोग वितरित करवा रहे हैं बच्चों को, और आज से ही बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है। पहले यही किताबें काफ़ी लेट में मिलती थी, जिससे पठन पाठन में समस्या होती थी, लेकिन अब बच्चों के पास किताबें हैं। आज ही से बच्चे बड़े उत्साहित हैं, उनका स्वागत भी किया गया तरह तरह से, बच्चों को नई कक्षाएँ मिली हैं, सभी बच्चे बड़ा उत्साह में और किताबें उनके उत्साह में 4 चांद लगा दी हैं। तो क्या लगता है बच्चे खुश हैं इस बार किताबें पा के? जी बिल्कुल, इस बार पहले ही दिन से किताबें मिलना हुआ। दरअसल मिर्जापुर के लालगंज खंड शिक्षा क्षेत्र में ज्यादातर विद्यालयों में किताबें पहुंच गए हैं, इक्का दुक्का विद्यालय में नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन MBBS लालगंज संजय कुमार यादव ने बताया है कि हमारे खंड में सत्र के पहले दिन ही सभी विद्यालयों में किताबें पहुँच गई हैं या आज कल तक सभी जगह पहुँच जाएंगी। इस साल की जो सबसे बेहतर सुविधा की बात करते हैं तो प्रत्येक विद्यालय में किताबें 1 अप्रैल से ही बट गई हैं और बच्चे नए पुस्तक के माध्यम से पठन पाठन करेंगे, और इससे जो सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जो हमारी अक्सर ये होती थी उपस्थिति के अप्रैल में उपस्थिति कम होती थी, उसमें भी सुधार होगा और स्कूल चलो अभियान में भी बल मिलेगा इससे। तो आज स्कूल चलो अभियान के स्कूल चलो अभियान को लेकर सीएम योगी ने जहां इसका मकसद बताया, तो वहीं दूसरी ओर किताब मिलने के बाद बच्चों ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद और मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।